العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد طلبائے عزیز، آج کے سبق میں جو حدیث آ رہی ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، آپ اولاً عبارت کا تھوڑا سا حصہ یعنی حدیث کا تھوڑا سا حصہ سنیں، اس کے بعد اس کا خلاصہ، اس کے بعد پھر سند اور متن کے متعلق تفصیل سے بات کی جائے گی. روایت ہے یحییٰ ابن بکیر کی، بہی قال حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا اللیث عن وقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله فيتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. یہ حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا، یہ حدیث وحی کی حقیقی ابتدا پر مشتمل ہے، حقیقی ابتدا کی کہانی پر مشتمل ہے. اس لیے پہلے آپ اس کی اس روایت کی تلخیصاً مراد سمجھ لیں اور اس کا خلاصہ سمجھ لیں. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ پہلے اچھے اچھے خواب آنے شروع ہوئے. ابھی آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ نہیں پیش کیا جا رہا ہے، اجمالاً تلخیصاً کچھ حاصل حدیث بتلایا جا رہا تاکہ حدیث طویل ہونے کے باوجود بھی آپ کی گرفت میں آ جاوے، پھر اس کے اجزاء پر بات کر لی جائے گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو اچھے اچھے خواب آئے، اور یہ خواب ہی مقدمہ بنا کہ آپ پھر غار حرا کی طرف متوجہ ہوئے، تنہائی آپ کو اچھی لگنے لگی، تو خلوت کی جگہ آپ کو جو طبیعت کے مناسب ملی وہ غار حرا تھی، وہاں آپ جا کر کے بیٹھنے لگے، قیام کرنے لگے. وہیں
रहने के ज़माने में, वहाँ के क़याम के ज़माने में फ़रिश्ता आपके पास आता है, यानी जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाते हैं और आ करके आपसे कहते हैं इक़्रा। फ़रिश्ता आके कहता है पढ़ो, तो आपने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, इसलिए कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फिर फ़रिश्ते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोचा, पकड़ कर दबाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़गत्तनी, मुझे दबाया और इस कदर शिद्दत से दबाया कि उसका दबाव मेरी ताकत और मशक्क़त की इंतहा को पहुंच गया, यानी बहुत तेज़ मुझे दबाया और कहा कि अब पढ़ो। दबा के छोड़ दिया, उसके बाद कहा कि अब पढ़ो। फिर मैंने वही कहा मा अना बिक़ारी, मैं तो नहीं पढ़ सकता। फिर दोबारा मुझे दबाया इसी तरह से, उसके बाद फिर कहा पढ़ो, फिर से बारह दबाया, अब दबा करके छोड़ दिया। तो फिर मेरी ज़ुबान चलने लगी, इक़्रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, इक़्रा इक़्रा व रब्बुकल अक्रम, ये मेरी ज़ुबान पर जारी हो गया। अब फ़रिश्ता जो आया था वो तो वापस हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ये एक अजीब सी चीज़ देखी, ज़िंदगी में पहली मर्तबा। और आपको दबाया दो तीन मर्तबा तो आपकी बशरी हालत, जिस्मानी हालत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। तो आप ये पैगाम लेकर और ये अल्लाह का कलाम लेकर, ये आयात लेकर वापस हुए, हज़रत खदीजा के पास आए। आपका दिल कांप रहा था, घर पर आकर के हज़रत खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। चुनांच कंबल ओढ़ा दिया गया आपको, फिर घबराहट आपकी कम हुई, आपकी तबीयत मुतदिल हुई। तो आपने हज़रत खदीजा को पूरी कहानी बताई कि ग़ारे हिरा में मेरे साथ क्या पेश आया, और आपने ये कहा कि उस वक्त मेरा हाल ऐसा हो गया था लक़द ख़शी तो अला नफसी, मुझे तो अपनी जान का ख़तरा लग गया था। हज़रत खदीजा ने तसल्ली देते हुए कहा कल्ला, ऐसा कुछ नहीं, आप ये हरगिज़ न सोचें, वल्लाहि मा युख़्ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेंगे। और दलील भी दी, इसलिए कि कोई बात ऐसी बेचैनी के मौके पर मुअक्कद अंदाज में पेश की जावे तब उसका अच्छा असर होता है। और जाहिर सी बात है कि दलील के से बढ़ करके ताकीद कलाम में और किससे आ सकती। तो दलील में ये पेश किया, दावा तो ये था कि अल्लाह कभी आपको ऐसी परेशानी का दिन नहीं दिखाएंगे और आपको रुसवा नहीं करेंगे, बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। मा युख़्ज़ीक अल्लाह इन्नका लतसिलुर रहीम, दलील ये है कि आप सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मादूम, नादारों और गरीबों की आप खबरगिरी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और आफात व बलियात जो अल्लाह की तरफ से बंदों पर आती है उसमें आप मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। कैसे अल्लाह आपको रुसवा करेंगे, बेसहारा छोड़ देंगे। एक काम तो हज़रत खदीजा ने ये किया कि ख़ुद जो तसल्ली के कलिमात बोल सकती थी उन्होंने वो कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए और आपको तसल्ली दी।
और दूसरा काम ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत खदीजा उस वक्त के एक आलिम वरका इबन नौफल के पास आपको लेकर के आई, और ये वरका इबन नौफल उस वक्त ईसाई मज़हब में थे, इसलिए कोई मज़हब चल रहा था। वहाँ जब पहुँचे ये दोनों, यानी कि हज़रत खदीजा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत खदीजा ने वरका इबन नौफल से कहा, ये देखिए आपके भतीजे क्या कह रहे हैं, इनका कुछ क़ज़िया है, आप सुनिए इन क्या कह रहे हैं। तो वरका ने कहा, यबन अखी मादा तरा, मेरे भतीजे तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुमने देखा है, क्या तुम्हारे साथ हुआ है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप हज़रत वरका इब्ने नौफल को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ग़ार हिरा में मेरे साथ ये पेश आया। तो वरका ने जवाब में कहा, हादन नामूस अल्लदी नज़लल्लाहु अला मूसा, ये जो तुम्हारे पास कोई आया था ना, ये कोई नहीं था जिसने आपको दबोचा दबाया, ये वही फ़रिश्ता था जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा वगैरह पर आया करता था, यानी जिब्रील था, जिब्रील थे वो। और फिर एक बात कह दी कि काश उस वक्त मैं ज़िंदा रहता जबकि तुम्हारी कौम तुमको तुम्हारे शहर से निकालेगी और मैं तुम्हारी पूरी मदद करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा इसके पीछे ऐसा भी होगा, क्यों निकालेगी मेरे जैसे को जबकि मेरी कौम पूरी कौम मुझे मानती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत बताते हुए वरका ने ये कहा कि असल में जो कलाम आप सुना रहे हैं और जो तफसील बता रहे हैं ये नबूवत की बातें हैं, और जो भी कोई ऐसा कलाम लेकर आया सामने नबूवत और रिसालत की बात जिसने कही है उसके ऊपर हालात आए हैं, तो हालात आने ही वाले हैं। ये मैंने आपको एक ख़ुलासा बताया, अब आप रिवायत को देखते चलें। रिवायत से पहले सनद है, सनद में पहला नाम है यहिया इब्ने बुकैर, यहिया तो नाम है, कुन्यत इनकी अबू ज़करिया, इनके वालिद अब्दुल्ला हैं, और बुकैर जो है ना ये दादा हैं, लेकिन इमाम बुखारी ने दादा की तरफ निस्बत करके यहिया इब्ने बुकैर कह दिया है, और ऐसा बहुत होता है कि दादा की तरफ निस्बत करके लोगों को याद किया जाता है। मीज़ानुल इत्तेदाल वगैरह में इनको मिस्री लिखा, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ कबीर में अपनी इनको शामी लिखा है। दूसरा नाम इसमें अल्लैस अन उकैल, अल्लैस है, ये लैस इब्ने साद हैं, इनके बाप का नाम साद है, दादा का नाम अब्दुर्रहमान है। निस्बतन ये फहमी कहलाते हैं, इसलिए कि इनके दादा को अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने मुसाफिर फहमी कहा जाता था। तबए ताबई हैं, इनके बारे में मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि ये ज़बरदस्त सकाहत और जलालत शान के मालिक थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बारे में बताया कि अल्लैस अफ़क़ह मिन मालिक, लैस इब्ने साद मालिक से ज़्यादा फ़िक्र जानते हैं, उनसे बड़े फ़कीह। और एक बात ये भी इनके ताल्लुक़ से लिखी गई है,
ये इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के तलामिज़ा में है। और इबन खल्लकान ने तो ये भी लिखा है कि कान अला मज़हब अबी हनीफा, इमाम अबू हनीफा के मज़हब पर थे, गोया ये लैस इबन साद हनफ़ी थे। अन उकैल, ये उकैल तस्गीर के साथ है, इनके वालिद का नाम खालिद है और इसी नाम की मुनासबत से अपने को अबू खालिद ये कहते थे। सन 141 में इनका इंतकाल है। इबन शहाब ज़ोहरी से जिन लोगों ने रिवायतें ली हैं उनमें असबतुन नास और असबतुर रुवात अफराद में इनका शुमार होता था। इब्ने शहाब ज़ोहरी को तो आप जानते हैं कि इनका नाम मोहम्मद है, कुन्नियत अबू बकर है, वालिद का नाम मुस्लिम है और सिलसिले नसब इस तरह है, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने उबैदुल्ला इब्ने अब्दुल्ला इब्ने शहाब। इनके जद्दे आला ज़हरा की तरफ निस्बत करके ये ज़ोहरी कहे जाते हैं। इनके बारे में इनकी इमामत और हिफ्ज़ इतकान के सिलसिले में मुहद्दिसीन ने इत्तेफाक़ किया है कि अदालत और हिफ्ज़ इतकान दोनों एतबार से ये मकबूल थे। फतहुल बारी में लिखा है अल हाफिज़ अल हुज्जा, लेकिन एक बात और लिख दी, कान युदल्लिसु फिन नादिर, कभी कभार ये तदलीस से भी काम ले लिया करते थे, लेकिन ऐसी जगहों पर फिर दूसरे तुर्क से उनकी तदलीस का ख़दशा दूर कर दिया जाता था। अन इब्ने शहाब अन उरवा तब्न ज़ुबैर अना आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उरवा इब्ने ज़ुबैर पर पहले बात हो चुकी, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, अभी जो ख़ुलासा आपको बताया गया अब उसी के अज़ा को लेकर बात की जा रही है। हज़रत आयशा इस रिवायत की राविया हैं और आप समझिए कि हज़रत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के वक्त में पैदा भी नहीं हुई थी। अब वो ये पहले दिन की कहानी जब बता रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है ख़ुद उन्होंने नहीं सुना है, किसी और से सुना होगा कि ऐसा ऐसा हुआ था कि गारे हिरा में आप तशरीफ़ फरमा थे, जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए और फिर हज़रत खदीजा के पास आप वापस आए, वर्का तक जाने की नौबत आई। ये कहानी किसी और ने हज़रत आयशा को सुनाई होगी या ये कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में हज़रत आयशा को ये पूरी तफसील बताई होगी। अगर पहली सूरत है तब तो ये आयशा की मरासिल में से हो गई, और अगर दूसरी सूरत है तो फिर ये मुसनदात आयशा में से हैं। और आगे चलकर जो गत्तनी गत्तनी का लफ्ज़ है आयशा सुना रही हैं, इससे लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त हज़रत आयशा को सुनाया। आयशा फरमाती हैं कि अव्वल माबूदी अबीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वहय अर्रुया अस्सालिह फिन नौम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहय की इब्तिदा सबसे अव्वल ख्वाब में नींद में अच्छे ख्वाबों के ज़रिए हुई है। फ़कान ला यरा रुया इल्ला जात मिसल फलक सुबह, जो ख्वाब भी आपको आता था वह सुबह की रोशनी की तरह साफ सुथरा और रोशन होता था। पहली कड़ी बताई नबूवत मिलने से पहले की, पहली कड़ी ये है कि आपको अच्छे अच्छे ख्वाब आए बतौर तमहीद के,
मुकद्दमे के अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अच्छे ख्वाब बतलाए। ख्वाब की तो कई किस्में होती हैं, ख्याली ख्वाब होता, शैतानी ख्वाब होता, रहमानी ख्वाब होता है, वो अपनी जगह आप समझेंगे। हज़रत आयशा ने ये बात भी बतलाई कि आपको जो ख्वाब आता था सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल बय्यिन और वाज़ेह साफ सुथरा होता था। शारहीन ने इस तशबीह में नुक्ते बल्कि कई सारे नुक्ते बयान किए, एक दो हम आपके सामने बयान किए देते। ऐसा ख्वाब आपको नज़र आता था जैसे सुबह का वक्त रोशन होता है। इसमें इशारा है कि आपको आगे चलकर ऐसी नबूवत मिलने वाली जो सुबह के रोशनी की तरह से होगी, यानी सुबह की रोशनी जब आती है तो पीछे का सारा अंधेरा छट जाता है। तो इशारा ये था कि आपको जब नबूवत मिलेगी तो आपकी नबूवत से पहले के जितने ज़ुलमाती माहौल हैं कि सारे के सारे ये छट जाएंगे। मक्के में बुत परस्ती का, ज़ुल्म व ज़्यादती का, बर्बरियत का, वहशत का, जो कुछ भी मनफी गंदा माहौल है सारा का सारा छट जाएगा। जैसे दिन निकलता है तो दिन के उजाले से रात का सारा अंधेरा छट जाता है, कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। यानी दुनिया में अमन, शांति, सुकून, अदल, इंसाफ, ये सब सारी चीज़ें वजूद में आएगी, इंसानियत आएगी, आदमियत आएगी। तशबीह का एक दूसरा नुक्ता ये समझें कि इसमें पिछली शरीयतों के मंसूख होने का इशारा कि जैसे आप, जैसे दिन निकलता है तो दिन के निकलने के बाद अब तक रात में आसमान पर जितने भी सितारे थे सब के सब छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे ही जब आपकी नबूवत का आफ्ताब तुलू होगा, आपको नबूवत मिलेगी, तो पिछली शरीयतों के सारे अहकाम मनसूख, बल्कि सारी शरीयतें मनसूख हो जाएंगी, वो छुपा दी जाएंगी। तीसरी बात ये, तीसरा नुक्ता, कम से कम तीन तो समझ लें कि जब सूरज निकलता है तो सबके लिए निकलता है, किसी एक इलाके के लिए नहीं निकलता है, पूरी दुनिया के निकलता है। इसमें आपकी अमूम बेसत की तरफ इशारा था, अमूम नबूवत की तरफ इशारा था कि आप नबी बना के भेजे जाएंगे और काफतल लिन्नास होंगे, काफतल लिन्नास होंगे, सबके लिए होंगे। इसलिए हज़रत आयशा ने ऐसी तशबीह दी है जिस तशबीह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन औसाफ़ मुतल्लिका की तरफ इशारा होता है। फिर अगली मजलिस में इंशाअल्लाह सुबहानअल्लाह बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। ला तंसौ الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.